फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर और मैं आज आप लोगों को अपने मिर्ची के पौधे दिखा रही हूँ, जिसका मैं आज कटिंग छटिंग कर दी हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए इतना झाड़ी से बाहर आया है। फ्रेंड्स देख रहे होंगे आप लोग, क्योंकि इसको काटना आवश्यक हो गया था। इसमें मिली बग्स पूरा भर गया था और ये दूसरे पौधों में भी लग जाता। फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं पूरा इसको कट कर दी हूँ। अगर होना होगा तो होगा, फिर से नहीं तो मैं इस पॉट को खाली करके इसमें कुछ दूसरा पौधा लगा दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी भी इसमें मिली बग्स दिख रहे हैं, जो कुछ टहनियाँ रह गई है इसे भी मैं रिमूव कर दूँगी, हटा दूँगी फ्रेंड्स, नहीं तो ये दूसरे पौधों को भी ख़राब कर देंगे। ये देखिए इस तरह के इसमें वाइट वाइट कीड़े लग जाते हैं, देख रहे होंगे, और ये पूरे पौधा को सुखा देता है और दूसरे पौधों में भी लगने का डर रहता है फ्रेंड्स। इसलिए आज मैं इसे पूरा काट दी हूँ। और उधर लगातार एक सप्ताह बारिश हुई थी तो मैं पौधों में पानी देने नहीं आ रही थी फ्रेंड्स, और दो दिन से बारिश रुकी हुई है। और देखिए कैसे सब पौधे मुरझा रहे हैं, अनार का, तुलसी का, सब मुरझा रहे हैं फ्रेंड्स। आज मैं पानी दूंगी, हालांकि बादल बन रहे हैं लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आज पानी पौधों में डाल दूंगी। और इसका भी मुझे रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये इसका पॉट छोटा पड़ गया और ये बहुत घना हो गया और सूख भी रहा है। ये देखिए इस तरह से सब झाड़ी नुमा होते जा रहा है, तो इसको भी मैं दूसरा पॉट दूंगी। और बाकी तो मेरे वही पुराने वाले पॉट हैं, और इन डब्बों में जो मैं लगाई थी सदाबहार, वो देखिए खिले हुए हैं। अभी मैं तोड़ी भी हूँ बहुत सारे फूल। और ये देखिए फ्रेंड्स, कल मैं एक कली दिखाई थी ना आप लोग को, गुड़हल का, कल जब वीडियो बना रही थी बेली के फूलों का, तो देखिए एक कली भी आज खिल गया और ये कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत सुंदर लगता है और बहुत खुशी होती है। और इसमें भी सदाबहार वाला पौधा है, और इधर मेरा एक गेंदा का पौधा गिरा पड़ा है फ्रेंड्स। ये देखिए ये इतना भारी हो गया है कि ये गिर गया है, और ये इस पॉट में अपने से निकल आया था, तो मैं इसे यहीं छोड़ दी थी। देखिए सबको पानी चाहिए, दो दिन बारिश नहीं हुई तो मिट्टी कैसे सूख रहे हैं। यहाँ भी एक मिर्ची का पौधा है लेकिन अभी तक इसमें मिली बग्स नहीं लगे हैं, तो मैं इसे रहने देती हूँ, और अगर इसमें भी लग जाएगा तो इसे भी मैं काट दूँगी। और इसमें मैं एक गुड़हल का, पिंक वाले गुड़हल का, ये देखिए ये लगाई थी कटिंग, तो कुछ पत्ते तो दिख रहे हैं लेकिन नया ग्रोथ नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। और ये मेरा कॉरिडोर में था तो सूख रहा था ये ड्रेसिना का पौधा, तो इसको फिर मैं छत पे ला के रखी हूँ, लेकिन यहाँ भी इसके लग रहा है कि अचानक से अधिक धूप पड़ने के कारण इसके पत्ते पीले होने लगे हैं। और ये मेरा चांदनी का पौधा, और इसी में पिंक वाला कनेर का कटिंग भी लग गया है। और ये देखिए फ्रेंड, उधर भी अपराजिता का पौधा मेरा मुरझा रहा है पानी के बिना। तो बस आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाने लाई थी फ्रेंड्स, और अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। आप लोग अपना ध्यान और केयर रखिए फ्रेंड्स। बाय बाय।